खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां किसानों को राहत देने के लिए जल्द ही सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर इंदावड़ और ओलादन गांव में जमीन के सर्वे काम पूरा कर लिया गया है और ग्रामीण सहायक अभियंता भवानी सिंह शेखावत ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम के MD VS भाटी के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को रात के बाद अब दिन में भी कृषि कार्यों को लेकर बिजली सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। सोलर पावर प्लांट उसी गाँव में स्थापित हो सकेंगे जहाँ के GSS के पास पावर प्लांट को लेकर 2 हेक्टेयर जमीन मुहैया होगी और इस योजना के अंतर्गत इंदावड़ और ओलादन गांव में प्लांट लगाने जाने की प्रस्तावित किया गया है। सोलर पावर प्लांट स्थापित होने के बाद यहां 3 दिन में 1 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी और तैयार हुई बिजली से काश्तकार दिन के समय भी फसलों में सिंचाई कर सकेंगे। किसानों को दिन में बिजली देने को लेकर ये लंबे समय से समस्या रही है, क्योंकि रात को जनरेटेड बिजली रात को दे दी जाती है और दिन में बनाने वाली बिजली को दिन में दे दी जाती है। तो इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए हमारे पावर सेक्टर में एक मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, और उसमें डायरेक्शन दिए गए थे कि हर GSS के आसपास में किसी जगह चिन्हित करें जहाँ पर एक सोलर प्लांट लगाया जा सके। इस सोलर प्लांट की कैपेसिटी 1 मेगावाट की होगी और 2 हेक्टेयर कम से कम हमें इसकी जगह चाहिए जहाँ पे सोलर प्लेटें लगा के और दिन में बिजली जनरेट होगी। इसे तो हमने 2 जगह चिन्हित की है, एक इंदौर में है और एक ओलादन में है, जहाँ पे 2-2 हेक्टेयर जमीन ऑलरेडी गवर्नमेंट की है जिसको एक्यूपाई किया जा सकता है और वहाँ पे सोलर प्लेटें लगाई जा सकती है। और ये लगाने के बाद में इन दोनों पावर हाउस में किसानों को दिन में